हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आरपीएम एग्री नॉलेज। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं ज्वार में लगने वाला जो कवर्ड स्मट है, या इसको हम आवृत कंड के नाम से जानते हैं, इस रोग के बारे में। जो भी फ्रेंड्स इस वीडियो लेक्चर को पहली बार देख रहे हैं, वो हमारे चैनल पर धान में लगने वाले सभी रोग, इसके अलावा मक्का में लगने वाले जो रोग हैं, उसके बारे में पहले से ही वीडियो हमारे चैनल पर अपलोडेड है। वो चैनल के प्लेलिस्ट में जा कर के वहाँ से वीडियो को देख सकते हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं आज का वीडियो लेक्चर। कवर्ड स्मट, या फिर इसको हम ग्रेन स्मट के नाम से जानते हैं, इसके अलावा इसको हम शार्ट स्मट के नाम से जानते हैं। हिंदी में बात करें तो इसको हम आवृत कंड, या फिर दाना कंड, या फिर छोटा कंडवा रोग के नाम से इसको जाना जाता है। और यह ज्वार की फसल में लगने वाला काफ़ी विनाशकारी रोग है। और ये लगभग जितने भी विश्व में ज्वार उगाने वाले क्षेत्र हैं या देश हैं, वहाँ पर ये रोग व्यापक रूप से देखने को मिलता है। इसके अलावा अगर कंडवा रोग की बात करें तो ज्वार में जितने भी प्रकार के कंडवा लगते हैं, उसमें ये है जो कवर्ड स्मट है, इसके द्वारा सबसे ज़्यादा हानि देखने को मिली है। और जितने भी भारत में ज्वार उत्पादक राज्य हैं या क्षेत्र हैं, वहाँ पर ये रोग काफ़ी भयंकर रूप में देखने को मिला है। अब इसके हम सिम्टम्स या लक्षण देख लेते हैं कि कैसे इस रोग के बारे में हम पता लगा सकते हैं कि आपके फसल में कंडवा रोग लगा हुआ है। इस रोग के जो लक्षण होते हैं, वो जब बालियां निकल आती हैं और वहाँ पर बालियों में दाने की स्थापना हो रही होती है, तो उस समय ये रोग दिखाई देता है। और जो रोगी बालियों होती हैं, उनमें स्वस्थ दानों के स्थान पर वहाँ पर स्पोरसैक या फिर स्मट सोरस में जो दाने होते हैं, वो बदल जाते हैं, अर्थात दानों के स्थान पर स्पोरसैक या फिर स्मट सोरस पाए जाते हैं। जो स्मट सोरस होते हैं, वो एक सुदृढ़ मटियारी धूसर झिल्ली के द्वारा ढके रहते हैं। और जब भी आप बालियों को देखेंगे, तो इस प्रकार से ये इन्फेक्टेड ईयर या बाली यहाँ पर दिखाई दे रही है, ब्लैक कलर में दिखाई दे रही है। साथ ही साथ ये दूसरी आप स्वस्थ बाली को देखेंगे, तो ये इसमें दाने स्पष्ट दिखाई देते हैं, लेकिन इसमें दानों के स्थान पर काले काले जो स्मट सोरस होते हैं या स्पोरसैक हैं, वो पाए जाते हैं। जो स्मट सोरस होते हैं, ये अंडाकार से लेकर के बेलनाकार, लगभग 5 से 15 मिलीमीटर लंबे और 3 से 5 मिलीमीटर ये चौड़े होते हैं। अगर इनका फिगर देखेंगे तो यहाँ पर स्मट सोरस का फिगर दिखाया गया है, तो जो इनकी लंबाई होती है, ये 5 से लेकर के 15 मिलीमीटर इनकी लंबाई होती है। साथ साथ इनकी जो चौड़ाई होती है, वो 3 से 5 मिलीमीटर के बीच पाई जाती है। और ये भी स्मट सोरस का फिगर यहाँ पर दिया गया है, ये सारे के सारे यहाँ पर स्मट सोरस दिखाए गए हैं। अब इसके बाद जो आपके ज्वार की कुछ किस्में होती हैं, जिसमें जो स्मट सोरस होते हैं, ये दो प्रकार के बनते हैं, एक लंबे स्मट सोरस होते हैं और दूसरे छोटे स्मट सोरस होते हैं। तो ज्वार की जो कुछ किस्में हैं, उसमें लंबे स्मट सोरस नहीं बनते हैं, परंतु जब आप दानों को तोड़ते हैं तो वहाँ पर काला चूर्ण दिखाई देता है। और ऐसे जो सोरस होते हैं, उनकी सतह देखेंगे तो वो रेडिश कलर की, यानी रक्ताभ रंग की दिखाई देगी। और जो लंबी सोरस की भित्तियाँ होती हैं, वो आभासी मृदोत्तक यानी स्यूडोपैरेन्काइमा से मिलकर बनी होती हैं, तथा जो भित्ति का आधार होता है, ये आंशिक रूप से परपोषी ऊतकों का बना होता है। साथ ही साथ जो दूसरी अन्य प्रकार की छोटी सोरस बनती हैं, उनकी भित्ति का अधिकांश भाग परिपक्व अंडाशय की सामान्य भित्ति से बना होता है। ये सामान्य भित्तियों से मिलकर के, जो अंडाशय की सामान्य भित्तियाँ होती हैं उससे मिलकर के बनता है। साथ ही साथ अगर यहाँ पर आप देखेंगे तो जो स्मट सोरस होते हैं, इनमें बीच में यहाँ पर कोलुमेला या स्तंभिका पाई जाती है, और इसके जो यहाँ पर खाली स्थान दिखाई दे रहा होगा, यहीं पर स्मट स्पोर भरे होते हैं। जब स्मट स्पोर बाहर गिर जाते हैं या फिर उड़ जाते हैं, तो उस कंडीशन में वहाँ पर सिर्फ ये कोलुमेला, या फिर इसको हिंदी में हम स्तंभिका कहते हैं, यही बसता है। इसके अलावा अब हम इसकी ईटियोलॉजी या रोग हेतु की देख लेते हैं।
इसका जो पैथोजन या रोगजनक होता है कवर्ड स्मट या फिर ग्रेन स्मट ऑफ ज्वार का, वो स्पैशलोथिका सोरघाई है, जिसको पहले स्पोरी सोरियम सोरघाई के नाम से जाना जाता था, लेकिन अब इसको हम स्पैशलोथिका सोरघाई के नाम से जानते हैं। अब इसकी हम सिस्टमैटिक पोजीशन या वर्गीकृत स्थान देख लेते हैं जो स्पैशलोथिका सोरघाई पैथोजन है। किंगडम और डिवीजन, जो अन्य फंजाई में आप अभी तक लिखते आए वही होगा, किंगडम माइकोटा और डिवीजन यू माइकोटा। इसके अलावा ये सब डिवीजन या उप विभाग बेसिडियो माइकोटिना का फंगस हैं, और इसकी क्लास टेलियोमाइसिटीज है। ऑर्डर इसका अस्टलेजनेल्स है। इसके अलावा इसकी जो फैमिली है वो अस्टलेजनेसी है। जीनस इसका स्पेशलोथिका, हमने देखा ये पैथोजन का जो जीनस है स्पेशलोथिका है, और स्पेसीज इसकी सोरघाई है। अब इसमें जो स्मट स्पोर या फिर कंड स्पोर बनते थे वो गोल समूह में गहरे भूरे रंग के होते हैं, परंतु अकेले ये जैतूनी भूरे रंग के दिखाई देते हैं। जब समूह में होते हैं तो ये गहरे भूरे रंग के दिखाई देते हैं, लेकिन जब ये अकेले होते हैं अलग होते हैं तो ये जैतूनी भूरे रंग के देखने को मिलते हैं। साथ ही साथ ये चिकने होते हैं और इनकी जो भित्ति होती है वो काफ़ी मोटी होती है। अगर यहाँ पर आप फिगर में देखेंगे तो ये इसके कंड बीजाणु या स्मट स्पोर होते हैं, जो कि दानों के अंदर यही भरे होते हैं। इनको देखोगे तो ये समान रूप से आपको गोलाकार दिखाई दे रहे होंगे, साथ ही चिकनी इनकी जो चिकनी सतह होती है, अर्थात इस पर कोई कंटक वगैरह नहीं पाए जाते हैं, और इनकी जो भित्तियाँ होती हैं ये भी मोटी दिखाई दे रही होंगी। और अब इनका अगर हम व्यास देखें डायमीटर, तो ये लगभग 5 से लेकर के 9 माइक्रोमीटर इनका जो डायमीटर या व्यास होता है, इनका ये जो व्यास है ये 5 से लेकर के 9 माइक्रोमीटर होता है, लेकिन सामान्यतः जो स्मट स्पोर होते हैं वो लगभग 6 माइक्रोमीटर के जनरली देखने को मिलते हैं। और ये शिथिल गेंदों या फिर कंदुक या लूज बॉल के रूप में संयुक्त रहते हैं, यानी एकदम सघनता के साथ ये नहीं भरे रहते हैं, ये थोड़ा लूज बॉल के रूप में संयुक्त रहते हैं। लेकिन जब इसको हम जल में रखते हैं तो ये जो स्मट स्पोर होते हैं आसानी से अलग अलग टूट जाते हैं। और ये जो स्मट स्पोर होते हैं ये प्रारंभ में द्विकेंद्रकीय होते हैं, परंतु जब परिपक्व होते हैं मैच्योर होते हैं तो उस कंडीशन में इनके दोनों केंद्रक संयुक्त होकर के एक द्विगुणित केंद्रक बना लेते हैं, यानी ये फिर डिप्लॉयड हो जाते हैं। और ये जल में जो इनके स्मट स्पोर हैं ये दो प्रकार से अंकुरण करते हैं। पहला जो इसमें अंकुरण होता है, जब इनको वाटर मिलता है, जल मिलता है, सारी अनुकूल परिस्थितियां मिलती हैं इनके जर्मिनेशन के लिए, तो ये दो प्रकार से अंकुरण करते हैं। इसमें पहला जो अंकुरण होता है इसमें कंड बीजाणु अंकुरित होकर के एक 3 कोशिकाओं वाला प्रोमाइसीलियम उत्पन्न करते हैं। यहाँ पर देखेंगे तो ये इसका स्मट स्पोर दिखाई दे रहा होगा, और ये फिर क्या करता है, जर्मिनेशन करता है। जब जर्मिनेशन करता है तो यहाँ पर 3 कोशिकाओं वाला प्रोमाइसीलियम विकसित होता है, इसको हम प्रोमाइसीलियम या फिर बेसिडियम के नाम से जानते हैं। ये यहाँ पर जर्मिनेशन किया हुआ है और ये 3 कोशिकाओं वाला होता है, 1, 2 और 3 कोशिकाएं इसमें होती हैं। और इनके जो पार्श्व यानी जो साइड हैं वहाँ पर और शीर्ष पर बडिंग द्वारा स्पोरीडिया बनते हैं। अगर यहाँ पर आप देख रहे होंगे तो एक ये स्पोरीडिया हो गई, एक ये स्पोरीडिया हो गई, और एक ये, यहाँ पर 3 जो दिखाई दे रही हैं इसके साइड में या पार्श्व में दिखाई दे रही हैं। साथ ही साथ एक यहाँ पर देखेंगे तो इस जो शीर्ष है वहाँ पर एक स्पोरीडिया दिखाई दे रही होगी, तो यहाँ पर 4 स्पोरीडिया दिखाई देती हैं। और शीर्ष जो स्पोरीडियम होती है वो प्रोमाइसिलियम की 4थी कोशिका के रूप में दिखाई देती है। ये 4थी जो यहाँ पर कोशिका है स्पोरीडिया बन रही है, 4थी कोशिका के रूप में यहाँ पर दिखाई देती है। अब हम इसकी स्पोरीडिया देख लेते हैं किस प्रकार की बनती है। जो इसकी स्पोरीडिया होती है ये तर्क रूपी होती है। अगर आप फिगर में यहाँ पर देखेंगे तो इसके दोनों किनारे क्या हैं, सकरे हैं, लेकिन जो बीच का भाग है वो मोटा है, तो उसको हम तर्क रूपी या फ्यूसी फार्म बोलते हैं।
इस प्रकार की पाई जाती है। और इनकी माप की बात करें तो ये लगभग 10 से लेकर के 12.5 माइक्रोमीटर इनकी लंबाई होती है। साथ ही साथ इनकी अगर हम चौड़ाई की बात करें तो ये लगभग 2 से लेकर के 3 माइक्रोमीटर तक ये चौड़ी होती हैं। और ये मुकुलन करके जो द्वितीयक बीजाणु या फिर सेकेंडरी जो स्पोरिडियाँ हैं ये नहीं बनाती हैं। इसमें जो दूसरे प्रकार का अंकुरण होता है उसमें जो स्मट स्पोर होते हैं यानी कंड बीजाणु होते हैं वो सीधे प्रोमाइसीलियम की प्रत्येक कोशिका सीधे शाखित या अशाखित इन्फेक्शियस हाइफो को विकसित कर देती है। यानी जो स्मट स्पोर है ये सीधे जर्मिनेट किया और ये फिर शाखित भी हो सकती है और ये अशाखित हो सकती है और ये संक्रमण हाइफा या फिर कवक तंतु या फिर इन्फेक्शियस हाइफा को विकसित करते हैं जिसके द्वारा आगे चल करके इन्फेक्शन होता है। अब इसके बाद हम इस रोग की डिजीज साइकिल या रोग चक्र देख लेते हैं। इसके जो डिजीज का नेचर या प्रकृति होती है ये एक्सटर्नली सीड बॉर्न है। ये इसको आप ज़रूर याद रखेंगे कि जो आपका आवृत्त कंड रोग है ज्वार का ये एक्सटर्नली सीड बॉर्न है या इंटरनली सीड बॉर्न है, क्योंकि ये आपके कंपटीशन में भी पूछा जाता है। तो ये जो आपका ग्रेन स्मट है ये एक्सटर्नली सीड बॉर्न डिजीज होता है, अर्थात बीज की बाहरी सतह पर पैथोजन उपस्थित हो सकते हैं जिसके द्वारा ये रोग उत्पन्न होता है। जब भी आप ज्वार को संक्रमित बीज बोते हैं तो इसकी सतह पर उपस्थित जो कंड बीजाणु होते हैं वो बीजों के साथ ही अंकुरण करके द्विकेंद्रकी संक्रमण कवक तंतु बनाते हैं। जब भी आप बीजों को बोते हैं तो उसकी जो सतह होती है उसके ऊपर स्मट स्पोर पाए जाते हैं और जैसे जैसे बीज आपका जर्मिनेट होता है उसी के साथ ही इसके जो स्मट स्पोर होते हैं वो भी जर्मिनेट करते हैं और फिर इनके जो संक्रमण कवक तंतु या हाइफा होते हैं इन्फेक्शियस हाइफा हैं वो रेडिकल के द्वारा या फिर मेसोकोटाइल के द्वारा पौधे के अंदर प्रवेश कर जाते हैं और पौध के जो मेरिस्टमेटिक टिश्यूज हैं वहाँ पर फैलते हुए साथ साथ बढ़ता है। जब जैसे जैसे पौधा आपका बढ़ता जाता है साथ ही साथ वहाँ पर जो स्मट स्पोर है वो भी अपने जाल को बढ़ाता चला जाता है और इनका जो जाल होता है ये पटयुक्त होता है द्विकेंद्रकी होता है और ये सर्वांगी कवक जाल बना देता है यानी पूरे पौधे में फिर इसका कवक जाल विकसित होता है। अगर इस फिगर में आप देखेंगे तो ये आपकी बाल है, बाली है, ईयर है और इसमें डिजीज लगा हुआ है तो ये स्मट सोरस आपका दाना ना बन करके यहाँ पर स्मट सोरस बना हुआ है और फिर इसमें जो स्मट स्पोर हैं ये बिखर जाते हैं और बिखरने के बाद ये ज्वार के बीजों में मिल जाते हैं और उसकी सतह पर चिपक जाते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है जब आप बीजों को बोते हैं तो फिर ये बीजों के साथ ही यहाँ पर देख रहे होंगे इसी के साथ साथ इसी के अंदर ये बीजों में इसका कवक जाल बढ़ता चला जाता है या फिर एक कंडीशन ये होती कि इसकी प्रोमाइसीलियम स्पोरोडिया का निर्माण कर लेती जैसा हमने अभी एटियोलॉजी में बताया था और फिर ये जर्मिनेशन करके प्लांट के अंदर ये जो दाने होते हैं उसमें डायरेक्ट इन्फेक्शन कर देते हैं या पौधे के अंदर ही बढ़ते चले जाते हैं। अब इसके बाद हम अगर आपकी फसल में रोग लगा हुआ है तो उसका हम डिजीज़ मैनेजमेंट या फिर रोग का प्रबंध कैसे करेंगे, कैसे हम रोग को आगे फैलने से रोक सकते हैं, तो इसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना है जो भी आप बीज का प्रयोग कर रहे हैं वो किसी प्रमाणित संस्था से लेना है और साथ ही साथ वो बीज को यह भी ध्यान रखना है कि किसी भी रोग ग्रसित फील्ड से या रोग ग्रसित स्थान से वो बीज ना लिया गया हो, अर्थात हमें स्वस्थ बीज का प्रयोग करना चाहिए। इसके अलावा अगर हम बीजों को 4 सेंटीमीटर की गहराई में बुआई करने के अगर तुरंत बाद हम सिंचाई कर देते हैं तो भी रोग में काफ़ी हद तक कमी देखने को मिलती है। या फिर हम बीजों को सीड ट्रीटमेंट कर सकते हैं यानी बीजों को उपचारित कर सकते हैं और ये सबसे प्रभावी जो इलाज होता है या प्रभावी
मैनेजमेंट होता है, इसके द्वारा हम रोग को आसानी से रोक सकते हैं। इसके लिए हमें एग्रोसान जीएन का भी प्रयोग कर सकते हैं, इसके अलावा सेरेसान या फिर वीटावैक्स, इसमें से आप कोई भी दवा ले लीजिए और उसकी 2.5 ग्राम मात्रा लेकर के प्रति केजी बीज के हिसाब से बीजों को उपचारित करना चाहिए। इसके अलावा आप सौर ताप उपचार का भी प्रयोग कर सकते हैं, यानी जब भी आप बीजों को बोएं तो उससे पहले हम क्या करते हैं, लगभग 4 से 10 घंटे के लिए पहले हम बीजों को भिगो कर रख देते हैं। उसके बाद फिर 10 से 12 घंटे तक हम धूप में, गर्मियों के समय में हम सुखा लेते हैं। उससे के बाद अगर बीज में कोई भी स्मट स्पोर उपस्थित होता है तो वो जब पानी में भिगोते हैं तो वो जर्मिनेट कर जाता है, और जब आप फिर से अगले दिन सुबह धूप में सुखाते हैं तो उसके जो स्मट स्पोर अंकुरित हुए थे वो फिर नष्ट हो जाते हैं। इसके अलावा आप रोग प्रतिरोधी किस्में, यानी जो डिजीज रेसिस्टेंट वैरायटी हैं या फिर डिजीज टॉलरेंट वैरायटी हैं, उसको उगा सकते हैं। जैसे रेसिस्टेंट में आपके CSH5 है, CSH9 है, SPV-104 है, SPV-115 है, SPV-102 है, SPV-297 है, SPV-138 है, SPV-245 है, इन किस्मों को उगा करके आप अपने फील्ड में रोग के प्रकोप को कम कर सकते हैं या रोग को रोक सकते हैं। तो ये था हमारा आज का वीडियो लेक्चर, कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।